पार चलो। हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम है तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार। तो उल्फत के सफर पर, यानी मोहब्बत के सफर पर आप सब के साथ रहूंगी मैं अब से लेकर 11:30 तक। प्रोग्राम है तमिले इरशाद और आज के प्रोग्राम का पहला मैसेज किसका हो सकता है। जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और पायल जौहरी शुक्रिया के साथ हमें मैसेज कर रहे हैं और कंडला बंदर कच्छ भुज गुजरात से इन सब का मैसेज हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी मेरी तरफ से प्यारा नमस्कार। और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाड़कर राही और उनके साथ में सरिता जी हैं और सिद्धांत हैं और उनके साथ में है प्रिंस का नाम और नगमा सुनना चाहते हैं और गंगा की लहरें फिल्म से आदाब कह रहे हैं। अभिजीत जी आपको भी मेरा आदाब, सरिता जी आपको भी आदाब, प्यार भरा एक और नमस्कार। बड़ौदा महाराष्ट्र से सुनील वाग संतोष और साथ में है उनके मुरलीधर ढोले, आप सबका भी बेहद तहे दिल से शुक्रिया। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो और अनायाब अलीजा का ये ईमेल है, कहते हैं आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवाइए। ओके अलीजे, बने रहिए हमारे साथ, अच्छे नगमे सुनवाएंगे, तमाम सुनने वालों की ही पसंद के होंगे। और ये कौन है, लखनऊ से हैं ये रवि, रेजिडेंसी से हैं इनका नाम लखनऊ से, सुधा कुमारी और साथ में संध्या कुमारी, कोई भी नगमा सुनने की मतमनी है। मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन और उनके साथ में रशीद वारसी भी इस्लाम कह रहे हैं। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानंद येले और नवदीप और सुशील जी का भी हमारे पास आ गया है, पुरखलूस आदाब के साथ सलाम आया है, आपको भी मेरी तरफ से प्यारा आदाब, प्यार भरा आदाब और नमस्कार गजानंद जी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, नवरात्रे अच्छे बीत रहे होंगे आपके माशाल्लाह। और यहाँ पर ये कौन है,
पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं। सुदर्शन शाह साथ में उनके पल्लवी शाह और प्रखर शाह का नाम इसमें शामिल हो गया है। और जैक श्री कृष्णा इन्होंने लिखा है, मेरी जानिब से भी जय श्री कृष्णा आप सबको। और पूर्व और पश्चिम फिल्म की फरमाइश आप सबने की है, बहुत बहुत शुक्रिया। किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, विशाल सबकाल का मैसेज आया है, ये सोनिया विशाल सबकाल का। और इन्होंने कहा कि मुकेश की आवाज़ में खुशी की ये रात आ गई, ये वाला नगमा सुनना चाहते हैं। किशन जी, अब आप ना उर्दू वाला मैसेज नहीं भेजिएगा, मैंने पढ़ दिया आपका नाम भी और आपकी फरमाइश भी मैंने बता दी है। बस आपका बस शुक्रिया अदा करूंगी दिल से कि आपने प्यारा सा मैसेज हमें भेजा। और कौन आया है, कादर गंज डुंडवारा से शादाब शमशाद अंदलीब खानम सारा फातिमा का ये लंबा चौड़ा सा मैसेज है बड़े बोल्ड लेटर्स में। और फरमाइश इन्होंने भेजी क्या है, गहरा दाग फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और कृष्णा पार्क से हैं नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा जी, उनके साथ में सीटी दीवाना, कहते हैं कोई भी गीत सुनवाइए। बिल्कुल सुनवाएंगे बहुत सारे गीत आपको, आप हमारे साथ सुखविंदर सिंह जी बस रहिएगा। गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप का भी SMS मेल आ गया है, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से ये लोग शामिल हुए हैं। और लिखते हैं, सभीहा को आदाब नमस्कार, मेरी तरफ से भी आपको गंगाधर जी नमस्कार और प्यारा आदाब। और गांव जामथाड़ा कच्छ गुजरात से गंगा वणकर, प्रीति और जूली है, और लिखती हैं हेलो सभीहा जी, मेरी तरफ से भी हेलो, हाय सेनोरीटा, हाउ आर यू, कैसी हो। और इनकी फिल्म है बैजू बावरा और या फिर गजल, इन दोनों में से किसी भी एक फिल्म का गीत कहते हैं, चला ही दो आज तो, ठीक है दौड़ा देंगे आज तो, बने रहिए हमारे साथ। दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान का ये हमारे पास ईमेल है, यादव मोहला सनावद मध्य प्रदेश से शामिल हुए हैं, कहते हैं कोई भी सदाबहार नगमा सुनवाइए। अभी अभी जो सुनवाया था हमने दिलीप जी, उम्मीद करती हूँ आपने सुना होगा, पाकीज़ा फिल्म से ज़्यादा सदाबहार और कौन सी हो सकती है फिल्म। जवाहरनगर दूर से RC कामड़े जी हैं, उनके साथ में करुणा विपुल कामड़े हैं, खामोशी फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं लता जी की आवाज़ में। RC कामड़े जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ईमेल भेजा। और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार हैं और लिख रहे हैं आदाब, आपको भी धर्मेंद्र जी, कपिल जी, पूजा जी मेरी तरफ से नमस्कार। राधे कुमार विद्यार्थी जी का सहरसा से हमारे पास ईमेल पहुंच गया है। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान भी शामिल हो गए हैं, नमस्कार। एक और आया, कोई भी नगमा सुनवा दीजिए, सुनीता शिंदे, प्रशांत शिंदे और ऋषि शिंदे कह रहे हैं, रोहिदास चौक पंदरपुर शहर से इनका ईमेल हमें मिला है। और किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, हम आपके नियमित श्रोता हैं, मुझे पता है आप हमारे नियमित श्रोता हैं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र, ये है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, बिल्कुल रेगुलर हैं आप, मुझे तो नाम भी याद हो गए हैं आपके, मोहम्मद अलीम बेताब। और उनके साथ में कौन है, रजिया बानो और माही है, और दो तीन नाम और भी लिखे हैं। पाकीज़ा रेडियो लिसनर क्लब है ये, गोडा झारखंड से इन्होंने हमें ईमेल भेजा है, शोर फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं, शुक्रिया आप सबका। उमरखेड से महबूब खान, आमीना और शहनाज खान है, कोई भी गीत सुनवाइए। उमरखेड वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, महबूब साहब और साथ में आमीना को मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और अगले नगमे की तरफ चलते हैं, लीजिए सुनिए।
तेरा नाम। आपको प्यार भरा पुरखलूस आदाब अर्ज। हमारे ईमेल आप शामिल नहीं करती और वही सारी बातें लिखी जो अक्सर लिखी जाती हैं। वहाबुद्दीन सिद्दीकी हैं, ताबिश सिद्दीकी हैं, अब्दुल बारी अंसारी हैं, साथ में लिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी पसंद का कोई भी नगमा सुनवा दीजिए, ये चल रहा है। बहारों के सपने, लता जी की आवाज में था नगमा ये वाला। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नाराजगी मेरी किसी से भी नहीं है। जब से मोहम्मद इशराब, मोहम्मद वामिक और मोहम्मद आजदार हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से शामिल हुए हैं, इनका भी शुक्रिया। उमर खेड़ से महबूब खान का मैंने शामिल कर लिया था और ये पटियाली रोड गंज रोडवार से मास्टर फारूक, शबीना और जारा जहां का ईमेल हमें मिल गया है, और शाहजेब खान, अमान खान और अफवान खान का है रघुवीर नगर नई दिल्ली से ही शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया के साथ, कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं। ओके गजानंद येले, ये मैंने शामिल किया अभी अभी ना, बिल्कुल किया है मैंने शामिल। और अगला जो हमारे पास ईमेल है, सुनो जी, अदाकारा रेखा जी पर फिल्माया कोई भी शरारती नटखट सॉन्ग सुनवाओ, रश्मि जरना राजकोट गुजरात से भेज रही हैं और कल उनका जन्मदिन है। ओहो ठीक है, कोशिश तो करूंगी मैं, लेकिन जैसे आपने लिखा था ना ए अनाउंसर जी सुनो जी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आपका चेहरा सा झलका यहाँ पे रश्मि, तो आप ही निकली इत्तेफाक से। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि रेखा जी का नगमा भी सुनवा दिया जाए। वैसे अच्छा ही होगा कि कल ही उनको हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे गुलाबी गुलाबी सब बोला जाए। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल शामिल हो गए हैं और एक नगमा नीला आकाश से सुनना चाहते हैं। और पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा के और उनके साथ कई सारे घर के लोग माशाल्लाह और नगमा सुनना चाह रहे हैं मोहम्मद हफीज साहब की आवाज़ में। राजस्थान वालों आप सबका बहुत शुक्रिया ईमेल भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीर शहर से, बिल्कुल भी नहीं मैंने पढ़ दिया था अभी अभी नाम इनका। और एसएस स्वीटी अमृत कौर रुपिंदर सिंह हैं, इन्होंने न्यू साहिबपुरा तिलक नगर से अपना ईमेल भेजा है। कोई भी नगमा कहते हैं कृपया सुनवाइए, कृपया एडिट कर दीजिए, नगमा ज़रूर सुनवाएंगे कोई भी। और आदाब सलाम अलैकुम के साथ में कौन है, गीत के बैजू बावरा गीत के बोल दूर कोई गाए के वाला नगमा सुनना चाह रहे हैं। मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और यूसुफ खत्री छिपा करोनी खंडवा से। आई होप कि मैंने यूनुस खत्री जी सही पढ़ा होगा और ये ईमेल सच में आपका ही होगा, किसी दोस्त ने आप पर मेहरबानी बिल्कुल नहीं की होगी। ठीक है, हमने आपकी फरमाइश नोट कर ली है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक और कौन आया है, फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से है एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी, अधूल का फूल फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। ओहो हो, हसीनों से अहले वफा अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो। शबनम गुड़िया खातून और उनके साथ में वसीम अकरम है, बेताब रेडियो लिस्नर क्लब पटना बिहार में, वो कहते हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए, बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया। महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब की जानिब रामगढ़ कैंट से ये ईमेल आया, लिख रहे हैं सॉलिड सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अमर अकबर एंथनी का तैयब अली प्यार का दुश्मन आए हाय, ये वाला नगमा सुनना चाहते हैं। मोदी जी आपका बेहद शुक्रिया, नवाजिश करम। और ग्रीन चौक मोरबी से जगदीश सोना कंचन और कुसुम का भी हमारे पास ईमेल पहुंच गया है, बाजी को लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम और साथ में वालेकुम अस्सलाम भी लिख दिया। ओहो, कभी इनकार करते हो, कभी इकरार करते हो, खुद ही सलाम करते हो, खुद ही जवाब भी देते हो, अच्छा लगा, हम खुश हुए। कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली और समर फुलमाली भी तहे दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। अहमदपुर के गाँव खंडवा से इन्होंने कहा कोई भी फिल्म का कोई भी नगमा सुनवा दीजिए, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कर्नाटका गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शबीर बनहाती, आसिफ इकबाल का भी ईमेल हमें आ गया है। क्या लिखा है, कुछ लिखा तो है, इब्तदाए इश्क में हम सारी रात रोए, ये वाला नगमा मनोज कुमार साहब पर फिल्माया हुआ, हरियाली और रास्ता फिल्म से सुनना चाहते हैं, शुक्रिया। रहमानिया मोहल्ला मैसूर सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, सलत जहानाज और फरहत को भी कहेंगे हम शुक्रिया, इनका भी ईमेल हमें मिल गया है। इन्होंने लिखा कि मेरे ईमेल को शामिल कीजिए, बिल्कुल शामिल कर लिया हमने। मोहम्मद असलम सैफी, जेबुनिसा बेगम, जाहिद अली सैफी, बलराम गेट काजगंज से शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा बाबा साहिब वड़ोदे, आदिशर पे चंद्र प्रभा वड़ोदे शुक्रिया कह रहे हैं, जरूर बरूड से इनका
का ईमेल आया है, बेकरार दिल तू गाए जा, ये वाला नगमा सुनना चाहते हैं किशोरदा की आवाज़ में। शुक्रिया आपका। और महफिल में दिल वालों की आता है जो आने दो, मोहब्बत जिंदगी है फिल्म का नगमा सुनवाइए। कौन कह रहा है? दिलकश अदाकारा राजश्री के जन्मदिन दिवस पर ये वाला नगमा सुनना चाहते हैं प्यासी हिरनिया। या फिर दो रिक्वेस्ट है, नीलू मेघ जी का ये मैसेज है, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। आज तो आप बड़ी ऑन टाइम है नीलू जी, वरना जब प्रोग्राम रखते सफ़र बांध रहा होता है और हम दामन समेट रहे होते हैं और बस मुड़ ही चुके होते हैं आधा, तब आप कहती हैं अरे हेलो सुनो हम भी तो हैं ज़रा देख तो लो। आज बड़ी जल्दी जल्दी आप आई, अच्छा लगा, शुक्रिया। बलारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, श्रीमती प्रिया भारशंकर का ईमेल मौसूल हो गया। मास्टर ओमी भारशंकर भी हैं, हाय ओमी क्या हाल सोनू बाबा के, राज सुहानी झूमे ये वाला नगमा सुनना चाहते हैं, विच फिल्म रानी रूपमती का। ओके शुक्रिया आपका हेमंत कुमार जी। और हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और घर के सभी लोगों का ईमेल हमें मिल गया। बिट्टू भाटिया जी बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत पुराने और बहुत ही रेगुलर हमारे सामीन हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामिकर, हर्षा और अक्षय का ईमेल भी मिल गया, इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा मालौर कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी और विवान हैं। कोई भी नगमा किसी भी फिल्म से सुनवा दीजिए, इन्होंने कहा है। भाई आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नगमे के बीच में एक फरमाइश आई थी गहरा दाग फिल्म से, तो सबसे पहले तो यही सुनिए। जहाँ पालिया है तुम्हें पाके हमने, जहाँ पालिया है जमी तो जमी आसमां पालिया है तुम्हें पाके हमने, जहाँ पालिया है तुम्हें पाके हम। प्यार में ढल गए हैं जमाने के गम, प्यार में ढल गए हैं उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है तुम्हें पाके हमने। मजनू का झीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा का ईमेल मिल गया, कहते हैं किसी भी गीत में शामिल कीजिए, तो हमने आपको बलूजा जी गहरा दाग में शामिल कर लिया है, बहुत शुक्रिया। बाटापारा से बज कमल जी हैं, मोतीलाल यादव हैं, डॉक्टर बसंत भृगु हैं और इन्होंने एक नगमे की फरमाइश भेजी है, फिल्म का नाम है लाला रुख। इसके अलावा कस्बा गन्नौर से नसीमुल इस्लाम गन्नौरी, फरहान अख्तर और दानिश का भी ईमेल हमें मिल गया, कोई भी गीत या गज़ल में शामिल कीजिए। विजय पाटिल महाराष्ट्र जालना जिला से अपना ईमेल भेज चुके हैं, शुक्रिया। मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा। मोहम्मद कलीम जख्मी साहब पिछले प्रोग्राम में बड़े नाराज हो गए थे मुझसे कि इन्होंने कई ईमेल भेजे और वहां पर शामिल नहीं
जख्मी हुए थे। आज उम्मीद करती हूँ कि नाराज नहीं हुए होंगे, आज तो जल्दी ही शामिल हो गया जख्मी साहब की फरमाइश है, जब जब फूल खिले फिल्म का नगमा, ये समा ये समा ये वाला लता जी का गाया हुआ नगमा सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। और कौन है, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान है, इन्होंने अनाड़ी फिल्म का नगमा सुनना चाहा है, तेरा जाना। ओके, वरुण जौलका से, महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलिंद का ईमेल हमें मिल गया है, रमेश कटनकर और दोस्त है उनके कमरुल्ला खान ईमेल हमें मिल गया है, कहाँ से भेजा है, जोराबाई अम्बाले वाली की आवाज़ में नगमा सुनना चाहते हैं, नमस्ते कह रहे हैं, और न जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ अचानक ये मन मेरा कहता है कि ये कहीं और कोई तो नहीं कर रहा ईमेल, खैर मैंने शामिल कर लिया। सलाम मोहब्बत, किसने कहा, आदाब सादर प्रणाम नमस्ते सत श्री अकाल सेवा में, अरे नाम किधर है आपके, इतने सारी चीज़ें लिखी। बहलौल नगर ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल जी हैं, साथ में इनके सुखवीर हैं, लखवीर हैं, रानो हैं और बहुत से माशाल्लाह माशाल्लाह परिवार के बहुत सारे लोग हैं, सब पर कृपा बनी रहे माता रानी की है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आप तमाम लोगों के लिए, और आपने जो भेजी है फरमाइश, दीवाना रेडियो श्रोता क्लब है इनका बहलौल नगर में, वहाँ से आई है फरमाइश, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, हैप्पी नवरात्रि आप सबको एक बार फिर से कह रही हूँ। नवापुरा कोला से गणेश भिरड़, वर्षा भिरड़, अनुराग भिरड़ हैं, धन्यवाद के साथ शामिल हुए मल्हार फिल्म की फरमाइश लेकर। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा, ओके, पहले एक और डॉक्टर साहिबा भी हुआ करती थी, अब वो नहीं है, आज वो नदारत है, उनकी जगह सना आ गई है, ओह शुक्रिया। ये एक ईमेल फिर से मेरे पास रिपीट हो गया है, और यहाँ पर सबीहा फजल जी, आपकी पेशकश में जब तक आप हमारा ईमेल शामिल नहीं किया अभी तक आपने, और मायूस नहीं करेंगे आज आप हमें, ऐसी कुछ बातें लिखकर भेजी हैं। और कौन है, इनके नाम भी शामिल होने चाहिए, गांव का नाम है डेर पाटन और ये गुजरात से हैं, और मुकेश और लता जी की आवाज़ में इनकी एक फरमाइश आई है, और इनके नाम है गुजरात से धीरज वी रबड़ी, संजय और सचिन है, यही सब कुछ लिखा था जो मैंने पढ़ दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने सब कुछ सही सही पढ़ा होगा, कोई गलती मुझसे नहीं हुई होगी। और अगला जो हमारे पास ईमेल है ये आया है अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और आज़म खान साहब आ गए हैं, हालांकि अभी ज़रा सा वक्त बाकी है लेकिन बिल्कुल ऑन टाइम हो, बल्कि बिफोर द टाइम होते हैं वो माशाल्लाह, तो अभी अपडेट करेंगे थोड़ी देर में, तब तक हम एक नगमा सुनवाएंगे। और बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना, परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद का ईमेल भी हमने यहां पर शामिल कर लिया है। इसके अलावा अगला जो हमारे पास ईमेल आया है, शुक्रिया कह रहे हैं, जवाहरनगर दूर से आरसी कामड़े, करुणा और विपुल कामड़े का ये ईमेल है, पाकिजा के नगमे से यकीनन जो शुरुआत हुई उनको बहुत अच्छा लगा है, ये लिखी है उन्होंने बात। आरसी कामड़े जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे जो पुराने सामईन हैं वही हमें सिखाते भी हैं कि प्रोग्राम का अंदाज़ क्या होता है, किस तरह के नगमे, क्योंकि आप और भी तवील अरसे से सुनते चले आए हैं, और जो हमारे साथी हैं उनसे भी हम सीखते हैं कि प्रोग्राम का मयार कैसा है और किस तरह के नगमे इसमें प्ले किए जाते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। संदीप मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और साथ में भरत मक्कड़ है, इन्होंने पिंगा वाला चौक से हमें अपना गोराया से अपना ईमेल भेजा है, और अमर प्रेम फिल्म की फरमाइश के साथ ये शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा ये एक और ईमेल ले लेते हैं, इनका नाम है गुड्डू भाई, पप्पू भाई और नजमा बेगम है, ये तांदलिया बड़ौदा गुजरात से शामिल हुए हैं। हम देख रहे हैं कि गुजरात वालों के ईमेल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, पहले ज़्यादातर मध्य प्रदेश से आया करते थे, खैर बहुत अच्छा लगा। और एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं, मोहम्मद जावेद खत्री और उनके साथ में बेगम रुबीना खत्री, मोहम्मद जैद खत्री हैं, इन्होंने डायमंड रेडियो लिसनर क्लब है महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश में, वहाँ से अपना ईमेल भेजा है, आदाब अस्सलाम वालेकुम के साथ। वालेकुम अस्सलाम, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ हैं, चिरबरिया, कुरासिया, कालड़ी से इनका ईमेल हम तक आया। इसके अलावा भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन और बेगम शबनम अनवर हैं, अमीर खुसरो रोड गंज डुंडवारा में, वहाँ से शामिल हुए हैं। लीजिए जनाब एक नगमा सुनिए।
कुछ नाम और शामिल कर लेते हैं। रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, भानुप्रिया हैं, किशनगंज बिहार से इन्होंने ईमेल हमें भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अनोखी रात फिल्म की फरमाइश के साथ मोहम्मद इसहाक का ईमेल भी हमें मिल गया है। इसके अलावा अगला जो ईमेल है हमारे पास ये है महाराष्ट्र से, श्रीकांत बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे तुमसा नहीं देखा फिल्म की फरमाइश के साथ शामिल हो रहे हैं। और ये जो ईमेल है हमारे पास ये आया है पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या हैं, यवतमाल महाराष्ट्र से शामिल हुए हैं। अप्सरा फिल्म की फरमाइश है आप सबकी जानिब से, लिखते हैं प्यार भरा आदाब, मेरी तरफ से भी पंजाब रामटेके जी आपको प्यार भरा आदाब, नमस्कार और हैप्पी नवरात्रि। और प्रोग्राम तामिल इरशाद में पुरखलूस आदाब, कोई भी नगमा अनिल उषा बुरांदे, अनुश्री और धनुश्री बुरांदे की जानिब से है। पांडर कावड़ा से इन्होंने हमें ईमेल भेजा है। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी भी आ गए हैं और आओ प्यार करें फिल्म की फरमाइश है इनकी। इसके अलावा अगला जो ईमेल हम तक पहुंचा है यह है धर्म नहीं है, हम शामिल कर चुके हैं। एक ही बार करके बस छोड़ दिया कीजिए, भूल जाया कीजिए, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर का ईमेल हम तक आया। नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा, मध्य प्रदेश से ये लोग शामिल हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी। और के आर साहू, आकाश कमलेश और गन्नू लाल रजाक हैं भाटापारा देवरी से, इन्होंने हमें ईमेल भेजा। और अगला जो ईमेल है हमारे पास ये कोई भी नगमा सुनने की फरमाइश के साथ आया है, लखनऊ ऐशबाग से रानी मुकेश गुप्ता, नीलम और रश्मि गुप्ता की जानिब से, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता जी की फैमिली है ये, क्योंकि ईमेल आईडी इन्होंने वही यूज़ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, मेरी तरफ से भी प्यार भरा नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। और ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, श्रीमती कुमार राय, अमित कुमार राय, इन्होंने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से भेजा है, लिखते हैं आदाब पुरखलूस और आप प्रोग्राम इनको अच्छा लगता है, कोई भी गीत कहते हैं अपनी पसंद का सुनवा दीजिए, शुक्रिया। आप सब लोगों का भी ओम प्रकाश जी एंड फैमिली बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ईमेल भेजा अच्छी अच्छी बातों के साथ और हमारा हौसला बढ़ाया, शुक्रिया। इसके बाद एक ईमेल और उसके बाद वक्त हो जाएगा खबरों का। और ये जो ईमेल है हमारे पास बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, ज्योति वर्मा का आया है, दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये लोग शामिल हुए हैं सरगम फिल्म की फरमाइश के साथ। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ तामिल इरशाद प्रोग्राम में। यहाँ पर हम रुक रहे हैं जरा देर के लिए और वक्त हो गया है खबरें बर्रे सगीर से। ये आकाशवाणी है, खबरें बर्रे सगीर से मोहम्मद आजम खान के साथ। हुकूमत ने खून की कमी को दूर करने और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से निपटने के लिए तगज़ियाबाश चावल की मुफ्त सप्लाई को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आसियान भारत और मशरक़ी एशिया सरबरा कॉन्फ्रेंस शिरकत के लिए कल लाओस के दो रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। अमरीका में स्मृत नुबान मल्टन के पेश नज़र 50 लाख लोगों फ्लोरिडा के मगरबी साहिल से चले जाने के लिए कहा गया। फ्लोरिडा से आमोदरफ्त की सैकड़ों परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है। साइंसदानों डेविड बेकर, जॉन जंपर और हेमिस हेसिबिस को प्रोटीन की साख्त की पेशगोई और डिज़ाइन पर उनके तहकीक काम के लिए केमिस्ट्री के शोबे में नोबेल इनाम दिया गया। और खेलों में भारतीय खवातीन की टीम ने आस्ताने में जारी एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। मर्दों की टीम को भी तमगा मिलना यकीनी है। अब खबरें तफसील से। मरकज़ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY और दीगर फलाही स्कीमों के तहत जुलाई सन 2024 से दिसंबर 2028 तक गजाइत बख्श चावल की मुफ्त फराहमी जारी रखने को मंजूरी दी है। ये फैसला वज़ीर नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में किया गया। नई दिल्ली में काबीना के फैसलों के बारे मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात नशरियात के वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये पहल खून की कमी को दूर करने, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से निपटने में मदद करेगी। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि इस पहल का मजमूई माशी तखमीना 17,082 करोड़ रुपये होगा, जिसके लिए मरकजी हुकूमत 100% माली एनत करेगी। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि गजाइत बख्श चावल की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल सप्लाई चैन तरतीब दी गई है। उन्होंने बताया कि इस सप्लाई चैन को तैयार करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की सरमाकारी की। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश है हमारा अता और पता, यानी जहां आप हमें सुनते हैं। और अभी अभी जब
आज़म खान साहब बता रहे थे कि डाक का आलमी दिन है, तो मुझे एकदम से याद आया कि एक फरमाइश भी आई थी कि आज आलमी तौर पर मनाया जा रहा है डाक का दिन, तो उन्होंने नगमे की फरमाइश की थी, एवरग्रीन नगमा राजेश खन्ना साहब का नगमा, तो क्यों ना सुने फिर उसको हम। बीते दिनों की याद ताज़ा करा देते हैं ये वाले नगमे, जब कितनी बेताबी से लोग खतूत का इंतजार किया करते थे या खतूत भेजा करते थे। डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, आती पूरन मासी को करार पाई है, मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है, दादा तो अरे ओ हो, दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी तेरवा आते सोमवार है, छोटों को प्यार देना बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारण को तार, शादी का संदेशा तेरा हे सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। ज़माना चाहे जितना भी बदल जाए, कितने ही हम अपडेट हो जाएं, टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं पहुंच जाए, लेकिन इन खतूत की जो अपनी वैल्यू थी ना, वो आज भी बरकरार है और शायद हमेशा रहेगी। क्या री? छह महीना हुई गवा, खतूत नहीं लिखा। बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहम कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा रे सवरिया, आजा रे सवरिया, आजा आया बैसाख आया। क्यों आया मज़ा? सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा नगमा, और पुराने जो दिन कुछ हमने गुजारे, कुछ के बारे में सुना, और जो मुअज़्ज़ज़ सामईन अभी सुन रहे हैं जिन्होंने ये दौर पूरा देखा, ख़तों का इंतज़ार किया, ख़त लिखे, और फिर एक तसलसल शुरू हो जाता है कि कब उसका जवाब आएगा, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी सी खबरें, कुछ उदास कर देने वाले मैसेजेस ख़त के ज़रिए, कुछ खुशगवार यादें, कुछ खुशगवार बातें, ताज़ा हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। खैर चलें, आपको तो सिर्फ एक ही बात से गरज होगी बाबू, और वो होगा कि मेरा नाम कब आएगा। डाकिया तो डाक ला ही चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स तो आ ही गई हैं जनाब। चिट्ठियां पत्रियां थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। दिलजीत सिंह, राजीव सिंह, गुरुलाल सिंह हैं, इन्होंने गांव लोहागढ़ से हमें अपना ईमेल भेजा है। फिरोजपुर पंजाब में हैं ये, और उनके साथ में जो पहला नाम था स्वर्ण सिंह गिल साहब का था। स्वर्ण सिंह जी, उम्मीद करती हूँ कि आप हमें सुन रहे होंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना ईमेल भेजने के लिए। और अगला जो हमारे पास ईमेल है वो कहाँ से आया है, आकोट से हैं ये विनायक बोंडे श्रीमती मंगला, और साथ में उनके शुभम है, शुक्रिया के साथ कहते हैं कोई भी नगमा सुनवा दीजिए, बिल्कुल सुनवाएंगे मास्टर फारूक। शबीना खानम और उनके साथ में जारा जहाँ है गंज डंडवारा से, इन्होंने हमें ईमेल भेजा है। इसके अलावा
दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार जी हैं और उनके साथ कई और लोग भी हैं और इन्होंने हमें मध्य प्रदेश से यादव मोहल्ला से मेल भेजा है। ये मेल मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन सच्ची में कह रही हूँ मैं कि कभी कभी ऐसा इरिटेशन होने लगता है, क्या खुदारा सारा दिन बैठ कर क्या यही काम किया? हजारों मेल यहाँ पर छप गए, अब इन हजारों के चक्कर में इसको क्लिक क्लिक करते हुए दूसरे लोगों का तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना, तो प्लीज़ ऐसा ना किया कीजिए। कई लोगों का मैं देख रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ छापे हैं, उसके बाद पता है होगा क्या, मैं इसे रिफ्रेश करूंगी और जो लास्ट वाला 11:15 का ईमेल होगा ना, वहां से पढ़ना शुरू कर दूंगी, फिर बाद में आप कहते रहिएगा। बल्कि मैं वही करने वाली भी हूँ कि अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करती हूँ और जो अभी के हैं सिर्फ वही वाले शामिल करूंगी। अब तब तक आप ये सुनिए। चलें तो मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर और उनके साथ में अनिकेत का ये ईमेल है हमारे पास पहुंच गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बघेरा दौर से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ का ईमेल हमें मिल गया है। और अगला जो ईमेल है हमारे पास, किसी भी गीत में शामिल कीजिए, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन और सोनी है गाँव नथाना पंजाब से, इन्होंने ईमेल हमें भेजा है। और बोधराज खोरवाल जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, तो मैं उनसे कहूँगी ज़रा गहरे गहरे सांस लीजिए खड़े होकर, क्योंकि गुस्सा करना मेरे लिए नहीं है कोई भी बुराई वाली बात, आपके लिए, यानी कि जो गुस्सा कर रहा होता है वो खुद जल रहा होता है, तो इसलिए गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए है ये बात, थोड़ा सा कंसोल रखना चाहिए। इसके बाद अगला जो हमारे पास ईमेल आया है, ये कौन है, रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क मध्य प्रदेश शाहजहाँपुर से मनमोहन रजावत, मधु रजावत और उनके साथ में राशि रक्षित हैं, मुगले आजम फिल्म की फरमाइश आज भी आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल करने के लिए। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली का भी हमें ईमेल मिल गया, शुक्रिया। और उसके बाद अष्टी जिला जालना, मराठवाड़ा से सैयद यूनुस और सैयद नोमान का ईमेल है। और अगला जो ईमेल है, खंडवा से योगेश गुजराती, आनंद जोशी, सनावत से शेख मूसा मोहसिन और अशोक वर्मा जी का ईमेल हमें मिला, डॉक्टर प्रियंका कालपांडे और प्रियदर्शनी मिर्गे और नरेंद्र मिर्गे हैं साईनगर, महाराष्ट्र से, इन्होंने हमें अपना ईमेल भेजा है। इसके अलावा अगला जो हमारे पास ईमेल आया है, मेरा नाम नज़रअंदाज कहीं हो गया है, मोहम्मद फारूक शेख हैं, इन्होंने भेजा है अपना ईमेल, जी नहीं नज़रअंदाज नहीं हुआ है। और कहते हैं बेबी मुस्कान और मोहम्मद फारूक शेख के साथ शमा परवीन है, इन्होंने हमें गणेशपुर गंज डंडवारा से अपना ईमेल रवाना किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल आदिनाथ पाटिल, अशोक देशमुख और गुड़िया हैं, इन्होंने बुराला खुद से अपना ईमेल रवाना किया है। और डाकघर का नाम है निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह,
सिंह और इल्मावाड़ी जसबीर सिंह इल्मावाड़ी, जतेंद्र कौर और साथ में गुरप्रीत सिंह है। शुक्रिया आप सभी लोगों का। सधना मेरठ से एक ईमेल हम तक आया है, अनिल जैन, संयम जैन और मुस्कान जैन की जानिब से आया है। मलियाना सरधना मेरठ पूरी जो जगह थी वो ये थी, यानी कि पूरा नाम ये था। और प्रमोद बगाड़े, वर्ष बगाड़े, प्रतीक बगाड़े के साथ घर के सभी लोगों का ईमेल हमें मिल गया। कोलासार तालुका नांदुरा महाराष्ट्र से शामिल हुए हैं। कूल कूल मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट जी, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट का शुक्रिया के साथ। नगमा रफी साहब का कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं। मधुसूदन भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका ईमेल हमें मिला। रफी साहब की आवाज़ में हमारी कोशिश रहेगी। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन सिर्फ प्यारा सा छोटा सा मैसेज भेजा अनिल जी ने और लिखा साथ में धन्यवाद। मेन बाजार जाडला टाउन से सुरेंद्र संधु, अनिता संधु, रोहित संधु कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं। राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी का गांव फरासी हिसार से मधुमती फिल्म की फरमाइश के साथ ये ईमेल आया। इसके अलावा कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्वनी चौहान और बेबी शौर्या का ईमेल हम तक पहुंच गया है, शुक्रिया। इसके बाद सहारनपुर से आशा नारंग और सोनाली नारंग ने अलग से एक और ईमेल भेजा। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और इरफान और बहुत सारे लोगों के साथ एक और। मुरादाबाद यूपी दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ईमेल आया, कहते हैं कि कोई भी नगमा हमें सुनवा दीजिए अपनी पसंद का। मेरी पसंद का क्यों, आप सुनेंगे सामईन की पसंद का। शुक्रिया। अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा है, इन्होंने हमें नेपाल से अपना ईमेल भेजा है। लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाज़ में नगमे की फरमाइश है और फिल्म का नाम है गीत। ओके शुक्रिया। राजकोट से हैं जूली जगदीश गुजराती, जैनेश गुजराती और साथ में लड्डू कुमारी का ईमेल, कहती हैं नमस्कार प्यार भरा, हमारी तरफ से भी आपको प्यार भरा। नमस्कार पटेल नगर मालौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया। वैसे मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सा एज ग्रुप ऐसा होता है जब हमारा पेशेंस जो है वो हमारे हाथों से निकल जाता है और हम दूसरों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। सैयद मसरूर, नाजिया हसन और इब्राहिम का सहारनपुर से ईमेल हम तक आ गया है। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, गांव का नाम था कुमार हेड़ा। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज और साथ में हैं बाबू अहद। हाय अहद, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। सभी हाबाजी को पुरखलूस आदाब, वालेकुम आदाब। और अगला किसका है? फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं ये और अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से भी। और इनका नाम है नासिर शेख, नाजिया नसीर और सभी हा मुजावर, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर, जो मैंने अभी पढ़ दिया। शुक्रिया आप सभी लोगों का। उत्तन मगर दिल्ली से है कमला रानी, बोधराज कोरवाल, भानु प्रकाश, कोई भी नगमा सुनने की फरमाइश आई है। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी का ये ईमेल हम तक पहुंच गया है। और मुकेश कश्यप, मानवी कश्यप, तन्वी कश्यप है, मुरादाबाद ग्राम से शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद फिर से हमारे यादव मोहल्ला वाले आ गए। मुझे देखिए कोई भी, मुझे कोई इशू नहीं होने वाला है, मैंने फिर से बंद कर दिया है। अब सुनते हैं हम ये गीत। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन साहब का भी ईमेल आ गया है और उनके साथ में होती हैं रचिता मस्किन और वीना मस्किन। आपने नहीं लिखे थे नाम लास्ट में तो मैंने खुद पढ़ दिए। तुलसी मस्किन जी, ऐसी ऐसी गलना बिल्कुल भी नहीं कीजिए जिसमें गुस्सा झलक रहा हो। और सुनिए राम जी की निकली सवारी, और ऐसे में भी अगर आप गुस्सा करें या नाराज़ हो जाएं या आपके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाथ धनुष गले में पुष्प माला, हम दास इनके ये सबके स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवार, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण,
एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी समय समाप्त हो रहा है तो मैं इसे रखूंगी अंडर प्ले पर इतना प्यारा सा गीत है ये महेंद्र शाह जितेंद्र शाह मानसी शाह का रोहतक से आ गया है ईमेल रघुवीर नगर दिल्ली से है जफर मुअज्जम शेख फलक तबसुम शेख और बेबी अलिशबा का ईमेल इसके अलावा प्रभाकर जोंदले आरती जोंदले और गौतम नगर जिला नांदेड़ से इन्होंने अपना ईमेल भेजा और यहाँ पर बबलिश पवार डैनी पवार मास्टर मनीषा गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से इनका नगमा था सती सावित्री फिल्म से लेकिन ये सरगम फिल्म का जो मैंने सुनवाया ये भी लक्ष्मी प्यारे वाला ही था बबलिश पवार जी इसलिए आज माजत करेंगे आपसे मालौट पंजाब से राज शर्मा अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो राज शर्मा जी बिल्कुल अकेली और उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह श्रीमती महेश्वरी देवी और सोनू भी शामिल हो गए हैं एक नगमा की फरमाइश थी लेकिन आज हम गढ़वाल वालों से मुआजरत कर लेंगे इसलिए प्लीज और यहाँ पर अगला जो ईमेल है गंजुंडवारा संगम पहले से है मोहम्मद फारूक शमशाद शरीना खुर्शीद और मोहम्मद अहबाब की जानिब से आया ये बेनजीर कौसर मोहम्मद हसनैन पवार मोहम्मद रफीक पवार हैं इन्होंने लक्कड़ बाजार खंडवा से ईमेल हमें रवाना किया है इसके अलावा गोवर्धन नहीं ये हमने पढ़ लिया था अभी अभी और बेगम परवीन खान टीचर समीरा खान और कामरान खान है मोहल्ला पठान कोरावली से शामिल हुए हैं कालू सिंह बड़ोले साहिल सुमन बड़ोले और विशाल का ये ईमेल है दुर्गा चौक जूना पानी सनावत मध्य प्रदेश से शामिल हो रहे हैं इसके बाद अगला जो है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से रशीद हुसैन अंसारी और अफसाना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी की जानिब से भी ईमेल आया कोई भी गीत में कहते हैं शामिल कीजिए और अगला जो ईमेल है हम तक किसका आया है अच्छा राज शर्मा जी ने एक बार सिंपल अपना नाम भेजा और अब अपने साथ मीना शर्मा और योगेश के नाम के साथ ईमेल भेजा है बेहद शुक्रिया कह रहे हैं नीलू मेघ जी शुक्रिया की क्या बात हक से आया कीजिए आप प्यार के साथ आती हैं अच्छी लगती हैं और पुरानी भिलाई से है छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीद उन से देखी जिशान अहमद सिद्दीकी शुक्रिया कह रहे हैं देखिए मोहब्बत करने वाले इतने सारे हैं उर्दू सर्विस के तो बीच बीच में कभी कभी कोई आता है जो मुझे टारगेट करके मेरा मूड ख़राब करना चाहता है तो मैं उनसे कभी भी नाराज़ नहीं होती मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मुझे ये पता होता है कि जो मेरे लेफ़्ट साइड वाला जो है जो मुझे पिंच करना चाहता है और मुझे मेरा मूड ख़राब करना चाहता है नहीं होगा क्योंकि वो एक दो होंगे तीन होंगे और मेरे राइट साइड वाली तो इतनी लंबी लाइन है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों की इतने अच्छे सामाइन की जो इतनी मोहब्बत देते हैं तो भला क्या फ़र्क पड़ता है कि लेफ़्ट वाला क्या कह रहा है तो यहाँ पर थे नौशाद साहब यानी कि नौशाद अहमद सिद्दीकी जिनका ईमेल मैंने पढ़ दिया है अभी अभी इसके अलावा एक और ईमेल शामिल कर लेती हूँ नरेश मल्होत्रा नीतू लाडो कोयल मल्होत्रा खैल बाजार पानीपत से शामिल हुए हैं और पापा जी हैं इनके नानक चंद मल्होत्रा जी पापा जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपके पैर भी स्पर्श कर रही हूँ शुक्रिया आपके ईमेल के लिए अब्दुल जब्बार पवार रशीद सलीम पवार शाहिद साजिद पवार कुछ और रह गए हों तो RSVP में उनके नाम डाल दीजिएगा ठीक है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल भेजने के लिए अब इसमें नुकसान आप सबका हुआ कुछ के नाम रह गए सायमा अहमद हस्सू बाबा और रफीक अहमद है कराची पाकिस्तान से कोई भी नगमा ये सुनने के मुतमन्नी थे और सबिहा आदाब आया है कहते हैं कि मेरे संग भी गीत जैसी घटना घटी थी और इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं अच्छा ख़त के बारे में लिखा है कि जब घटनाएं मतलब कुछ भी बातें हुआ करती थी तो ख़त के ज़रिए ही इतला दी जाती थी और कई बार ऐसा होता था कि हम टाइम पर पहुंच भी नहीं पाते थे बिल्कुल छिंदा सिंह छिंदा जी ने ये बात लिखी है
और बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ छिंदर सिंह जी, वो एक अजीब दौर हुआ करता था जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाया करती थी और इंसान सिर्फ मलमलाता रह जाता था दुख से, कि वो एकदम से पहुँच भी नहीं सकता क्योंकि चीज़ें हम तक देर से पहुँचा करती थी। खैर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इतने बंडल्स के हिसाब से ईमेल भेजे और अपने तमाम दोस्तों का नुकसान किया, मेरा कोई नुकसान नहीं किया। आज का ये प्रोग्राम यहीं तक, एक दो लाइन ही सिर्फ सुनवाऊंगी। प्यारी दोस्त रशु, अगर सुन रही हो तो एक कप चाय बनाओ, गला दुखू दुखू हो गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मना। इसके साथ ही आज का तामिल इरशाद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह है आकाशवाणी की उर्दू सर्विस और अब पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय